ऑपरेशन अल जवाहिरी से जुड़ी है ये बहुत बड़ी खबर। ड्रोन स्ट्राइक पर तालिबान का ऑडियो टेप सामने आ गया है। ऑडियो टेप के जरिए तालिबान ने ड्रोन स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। वजीर अकबर खान इलाके में एक मकान पर ड्रोन हमले हुए थे। एक मकान पर दो ड्रोन स्ट्राइक की गई। तालिबान ने खुद कहा हमले की जगह के करीब अफगानिस्तान के गृह मंत्री के करीबी का घर है। हमले वाली जगह के पास तालिबान पुलिस के चीफ मावली हमजा का घर भी है। वो ऑडियो क्लिप क्या है वो आपको सुनाते हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجروب تو المشتركين ومشرانا ومدير سبانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي دو فايرونو پارا با دو ام منغ خبلا صحي تلارو نو دا وزير اكبر خان صحاكي دا غزانفار بانك تانكي چه دزاين بس ایک کال کر سکتی ہے آپ کو کنگال خالی ہو سکتا ہے بینک کھاتا کیسے देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी नाइन पर अभी डाउनलोड करें। निला मौली साहब को रहम दे मदा साहब इस्तल शुवे दे फल हमजा साहब हम साहब के चुक प्रीदीम ना दाखल ये मंगा दामजा साहब ना पुख्तना उक्रम हम संग चल दे चुक खुग न दी दागुई पुवाई ना बंदे अम्म दाखल कर ता साहब ची इस्तल शुवे दे आगे नुक्ते ता चुक नूर प्रिखुदल कीगी نو فایرون هم درون کردی دی دو اولی معلومات انشالله که روست از معلومات پلا اسرار به انشالله گروپ که شریکو من پلا مصبارم مخموخا اب اس آڈیو کی ایک ایک ڈیٹیل بھی ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو اور بتائے گا لیکن تیواری سر یہ موجودگی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو لیٹسٹ رپورٹ تھی اس کا حوالہ میں بار بار اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہ رپورٹ اس بات کے پختہ ثبوت ہے جس میں یہ صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے افغانستان ایک سیف زون بن چکا تھا ساتھ ہی یہاں پر تو باقاعدہ یہ بھی بتایا گیا کس طریقے سے موبلائز کیے جا رہے تھے نئے فائٹرز کیسے اپنے ریسورسز کو بھی انکریز کرنے کے لیے ایک سیف ٹھکانہ بن چکا تھا الزواری کے لیے देखिए इतिहास गवाह है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक फ्लरिश करती है तो दूसरा आता है ये इनकी गलतफहमी होती है कि हम दोनों एक साथ मिलकर काफ़ी दिन तक राज करेंगे तो ये अगर अलकायदा और ये तालिबान में कितनी अच्छी समझ थी और क्या अंदर से अंदरूनी मामला क्या था ये तो विचार का विषय है बाद में सामने आएगा इसमें तालिबान का रोल है कि नहीं रोल है अभी तो हकलानी के पक्ष में हम दे दे रहे हैं कि उनसे फीडबैक मिली थी लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उस पर ब्रेक हुआ है मैटर ऑफ टाइम कुछ समय के बाद से कभी भी एक लात नहीं रही। चलिए पूर्णिमा जी को इस ग्राउंड पर एक फ्लोर दे देती हूँ। पूर्णिमा जी आप ये मानेंगी कि क्योंकि अगर यहाँ पर हम बार बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर यूएस के पास उस बारे में इनपुट था तो भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उसकी अभी तक ये कमजोर रहेगी क्योंकि 21 साल तक ये आतंकी जिंदा रहा। आतंकवाद की जो समस्या है यहाँ पे शुरू हो चुका है ट्रिकल्ड है ये क्या टाइप किस टाइप का कॉन्स्पिरेसी है राइट बिफोर द जनरल इलेक्शन आई डोंट नो बट आई हैव अ डाउट ओवर हियर बिकॉज इट्स टू कोइंसिडेंटल टू एंड आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ स्टफ सो सेकेंडरी इज जब सुलेमानी को उठाया था ट्रंप ने तब बाइडेन खुद ने खुद कहा कि इट वॉज रॉन्ग एंड ही इज नेवर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट तो खुद ने कैसे ड्रोन स्ट्राइक कर लिया पूर्णिमा जी ये ईरान में जो ड्रोन स्ट्राइक हुई थी उससे आप इसको कैसे कनेक्ट कर रही हैं वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सुलेमानी का वो तो ईरान के आर्मी चीफ थे नहीं सुनिए आप पूर्णिमा जी कैसे आप कहां से किसको मिला देती है मुझे समझ में नहीं आता जो ईरान के आर्मी चीफ सुलेमानी का आप जिक्र कर रही हैं और दूसरी तरफ यहां आतंकी की बात हो रही है लादेन को मारा गया और जवाहिरी को मारा गया करवाया है सारा एंटायर डेमोक्रेट पार्टी इज इस्लामिस्ट एपिजर्स और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग बिन लादेन को उड़ाया है वो लोग जहरी को उड़ाया और ऑन टॉप ऑफ इट जब सुलेमानी को उड़ाया था ट्रंप ने तब उनको कंडेम किया गया था मेरा क्वेश्चन आपके पास है आप पॉलिटिक्स मेरे साथ नहीं खेलिए बिकॉज आई एम नॉट आप पॉलिटिकल जमात से आती हैं इसलिए पॉलिटिकल सवाल आपसे हो रहे हैं On top of it, मैंने उनको क्रेडिट देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ आई नीड टू सी द एविडेंसेस ओके प्रूफ इज व्हाट यू आर आस्किंग फॉर पूर्णिमा जी ठीक है देखते हैं व्हाइट हाउस कब ये प्रूफ रिलीज करता है इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट आ गई है टीवी नाइन भारत वर्ष पर अमेरिकी ड्रोन की तस्वीरें देखिए इसी ड्रोन से अमेरिका ने
हमला किया। अल जवाहरी का एनकाउंटर इसी ड्रोन के इस्तेमाल से किया गया। रीपर ड्रोन्स और हेलफायर मिसाइल इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया। जाहिर सी बात है कि काफ़ी हाई रेंज और हाई ऑल्टीट्यूड की ज़रूरत थी इस तरह के ऑपरेशन के लिए, और इसीलिए बहुत ही सटीक तरीके से चाहे वो मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका सिलेक्शन किया जाता है, किसी तरह की कोई चूक नहीं हो। और इसी के बारे में हम आपको और भी डिटेल्स देते हैं कि किस ड्रोन ने आखिरकार, जिसकी तस्वीर हमने आपको अभी बताई कि वो कौन सा ड्रोन है, उसका इस्तेमाल सिलेक्शन क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देखिए तस्वीरों के साथ में। MQ-9B रीपर ड्रोन्स, प्रेडेटर ड्रोन्स भी जिसे कहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड हाई रेंज ये ड्रोन्स होते हैं, ताकि एक बार आप टेक ऑफ कर लें तो कई घंटों तक, कई हजार किलोमीटर तक कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और अटैक स्पेसिफिकली ड्रोन में RX-9 इसे करेक्ट कर दें, RX-9 मिसाइल लगी हुई थी, जो कि निंजा मिसाइल के तौर पर भी यह जानी जाती है, क्योंकि उसमें 6 ब्लेड्स होते हैं और बहुत ही प्रिसीशन स्ट्राइक के लिए इसका इस्तेमाल होता है। 2017 में भी सीरिया में इसका इस्तेमाल किया गया था, आतंकियों के लिए खास तौर पर यह बनाया गया है, क्योंकि जब हाइड आउट्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक लोकेशन होता है, तो ठीक उसी लोकेशन पर ये वापस जाके गिरे। निंजा जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि 6 ब्लेड्स होते हैं, बहुत तेजी से जाता है, ड्रोन में 6 लंबे ब्लेड होते हैं जिससे इसे नेविगेशनल और डायरेक्शनल वाले असिस्टेंस मिलते हैं। ब्लेड को फ्लाइंग जिंसू भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इकलौता इस तरह का मिसाइल है जिसमें इतनी ब्लेड्स लगी होती हैं। अफगानिस्तान में पहले भी इस्तेमाल हो चुका है इस तरह के कई और सिमिलर अटैक्स के लिए भी। और सुलेमानी की हत्या, मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, जिसका जिक्र अभी पूर्णिमा जी कर रही थी, उसकी हत्या में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। और इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा, सुलेमानी की आपको तस्वीरें याद आ रही होंगी, किस तरह से वहाँ उस पर अटैक किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, ये इंश्योर करने के लिए एयरपोर्ट के ठीक बाहर हुआ था कि बाकी लोगों को कोई नुकसान नहीं हो और ये प्रिसीजन स्ट्राइक करे। समीर, ओवर टू यू। बिल्कुल आशीष ने एक एक डिटेल आपको दी, और वहीं इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, TV9 भारत वर्ष पर जवाहरी को मार गिराने वाली मिसाइल की एक एक डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। हेल फायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। अगर एग्जैक्टली आपको बताएं तो RX-9 हेल फायर से सिर्फ टारगेट को नुकसान पहुंचता है, सिर्फ टारगेट पर हमला किया जाता है और उसे कर दिया जाता है तबाह। अमेरिका ने पहले भी इस मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया है। इसके अलावा इस मिसाइल का इस्तेमाल सीरिया में भी खूब किया गया। और अशोक बिजलवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप, किस तरह से सटीक निशाना लगाया गया? 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है जिसमें 17 कमरे थे, लेकिन बैल्कनी में ताजी हवा खाने के लिए निकलता है जवाहरी और उसका हो जाता है अंत। ये देखिए, ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। और US के पास में जो GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से वो आधे मीटर की एक्यूरेसी पे एक टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। और हेलफायर मिसाइल, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर उसका असर होता है, जिसका जो उसका एक्सप्लोजन होता है वो बहुत ही कंटेंड होता है, मगर बहुत डेडली होता है। और स्पेशली ये टैंक्स के खिलाफ भी काफ़ी कारगर साबित होता है। तो इस तरीके से उन्होंने उसका जो उसको, जैसा कि आपने बताया, पिछले कई महीनों से उसके ऊपर सर्वेलेंस चल रही थी और उसका एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। और उन्होंने जो जहां पर जिस जगह पर उसको एंगेज करना था उसको उन्होंने ज़रूर काफ़ी समय ट्रैक किया होगा। और जब उनको एक भरोसा हो गया कि हाँ, हम पिन पॉइंट अटैक उसके ऊपर कर सकते हैं, तो उन्होंने इसको अंजाम दिया। सर, ये प्रेसिडेंट उस समय कोविड पॉजिटिव थे, उन्हें रिबाउंड अटैक भी हुआ था, सिचुएशन रूम में तो वो जा नहीं पाए होंगे। ऐसे में क्या ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल देके, जब आपको ठीक लगे, जब बैल्कनी में आपको एक्यूरेसी दिखे और ऑब्जर्वेशन पैटर्न करने के बाद में, क्या प्रेसिडेंट को ये डायरेक्टली ऑर्डर उस समय पर देने की जरूरत है या फिर इन प्रिंसिपल आप दे दें? ये क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है, वो किसी भी तरीके का ऑर्डर दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है। और आज के ज़माने में आपको फिजिकली कहीं किसी भी जगह पे प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए, एक कंप्यूटर के जरिए ऑपरेशंस रूम को आपके पास लाया जा सकता है। और आप वहाँ से सब चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। जी, क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है?
फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।